वैसे भाई आपको भी किसी दोस्त ने सिखाया गाना? हाँ, आपको सुनती है? इतना नहीं पर इतना नहीं पर कुछ, कुछ 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 सुन लेती हूँ। इतना नहीं पर कुछ। अच्छा, किसी और को आता है जबरदस्त सा गाना? कोई और जिसे बहुत अच्छा गाना आता हो? अच्छा, रोना किस किस को आता है? आता है किस किस को? आता है सारों को ही आता है। अच्छा, तो जिस जिसको रोना आता है ना, उसे उसको गाना भी आता है, इसलिए कि रोना और गाना जो है सबको आता है। अच्छा किसको आता है, फर्क किससे पड़ता है? जब किसी से मिलते हैं उसमें क्या चीज देखते हैं? हाँ बताएं जी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी नेचर के बारे में सोचते हैं। वो नजर तो नहीं आता फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, कि उसमें कितनी रिस्पेक्ट है हमारे लिए। आप भी देखते हैं कि उसमें कितनी इज्जत है आपके लिए? जी। अच्छी बात है, ये देखना चाहिए जरूर कि वो बंदा या बंदी जो है कितनी। थैंक यू सो मच। रिवाज के खूबसूरत से गिफ्ट जी, आप इनको दीजिएगा। ये मेरी आज दुपट्टा फैलो है जी। स्पेशली तो हम जब किसी से मिलते हैं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो कैसा होगा। और आजकल जो ट्रेंड बन गया वो ये है कि हम सूरत सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते हैं। हाँ। जो चीज़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग समझते हैं कि अगर वो देखने से अच्छा है तो अच्छा होगा, जो हम अंदाजे लगा रहे होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जैसी सूरत हो वैसी बंदे से हो। तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि उसकी सीरत कैसी है। अगर वो हमें इज्जत देता है तो ही वो ठीक है। वो तो उन्होंने कह दिया है, इज्जत इज्जत देखनी चाहिए या देखनी है वो। उसका रवैया कैसे, इखलाक कैसे, सबसे मेन चाहिए। नहीं, आप क्या देखती हो? हम यही देखते हैं ना, जो यही है कि हम लोग तो सूरत देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपकी हमें सूरत नहीं देखनी चाहिए? नहीं, नहीं देखनी चाहिए। नहीं देखनी चाहिए, फिर क्या देखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि उसका हमारे साथ इखलाक कैसे है, वो बनावटी तो नहीं है, ये सब कुछ देखना। अच्छा, आप ये कह रही है कि वो रियल कितना है और फेक कितना है। वेरी गुड। वैसे मुश्किल से पता चलता है कि फेक कौन है और सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जी इधर भी माइक दीजिएगा, जल्दी से आगे पास ऑन करें। आप क्या कहना चाह रही? एक दूसरे के जैसी बात नहीं कहनी। अगर किसी से मिले तो क्या चीज सबसे पहले देखती है? उसकी बात करने का तरीका, कि वो किस तरह बात करता है, ताकि अगर हम उससे किसी को उससे मिलाना चाहे तो हमें मतलब शर्मिंदगी महसूस ना हो कि वो सही बोल रहा है या नहीं। उसके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसका जेंडर जो है ना, वो बोल रहा है कि नहीं, तो इसने अपने ड्रीम बॉय के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। अच्छा, वेरी गुड। सो बोलने का अंदाज। हाँ, आपका नाम क्या है? अलीना। अलीहा। अलीहा, वेरी। हाँ, अलीना। अलीना, वेरी गुड। आपके लिए भी रिवाज का एक खूबसूरत सा तोहफा। अच्छा जी, तो अब मैं अपनी मेहमान को यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की कि उन्होंने शुरुआत की तो बुलंदी से, फिर कभी दिल दिया, कभी इश्क किया, तो कभी फरमाइश कर दी कि मुझे चांद चाहिए और मुस्कुराहट ऐसी कि दिल आप अपना खो बैठे। हाथों पर हीना लगाई तो डॉक्टर तारिक के नाम की। मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ और मिलिए अजलान की मामा और हॉलीवुड की रीमा खान से। कैसी है रीमा? अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हो? अच्छा, रीमा को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो ये कि लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे अपना आप को लूज करते हैं अपनी पर्सनालिटी। रीमा की पर्सनालिटी जो है डेवलप होती है, आप वक्त के साथ साथ और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा मजबूत, और बड़ी हद तक और ज्यादा खूबसूरत और रिफाइंड हमें दिखती है। ये मेरे ख्याल में ये खूबसूरती कहने और देखने वाले के अपने अंदर होती है। लेकिन बहुत खुद अंदर से खूबसूरत होते हैं, जो खुद बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनको दूसरों की बुराइयां भी अच्छाइयों में नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको लगता है ना कि रीमा और ज्यादा खूबसूरत होती चली जा रही है? इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है ऑफकोर्स के अल्लाह की ज़ात पाक का तो है, मगर मेरे शौहर को, उनके प्यार को और मेरे ससुराल की मोहब्बत को। हमें दुआ मांगनी चाहिए कि हर एक को अल्लाह को रीमा के जैसा शौहर और रीमा के जैसा इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, बट मैं जो बात कर रही हूँ बहुत दिल से कह रही हूँ कि कैमरे के सामने आकर अमूमन हम लोग बहुत नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव अंदाज से लोगों के सामने लेकर आते हैं, मगर मैं जो बात कर रही हूँ वो इसलिए पूरी ईमान और पूरी सच्चाई के साथ कि जैसा शौहर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जैसा ससुराल अल्लाह ने मुझे दिया है, और अब जैसा बेटा अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरी दुआ है कि हर बच्ची को
ऐसी ही खुशियाँ, ऐसी ही इज्जत, ऐसी ही मोहब्बतें मिले। रीमा जी, इससे पहले कि हम बैठें और अपनी गुफ्तगू शुरू करें, आपने बात की है तो मुझे ख्याल है कि पिछले दिनों बड़ा चर्चा फेसबुक पे रहा है आपको लेकर और आपकी वो शादीशुदा जिंदगी को लेकर, कि खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो गई है और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला चल रहा है कि जिसमें आप हो सकता है कि अमेरिका ना रहें, वापस पाकिस्तान पलट आएं, तो इसमें कितनी सदाकत है? इसका डिटेल में जवाब दूंगी, मगर एक शेर की सूरत में कह देती हूँ कि पूछा जो हाल शहर का तो सर झुका के कहा, लोग तो जिंदा हैं, जमीरों का पता नहीं। तो जिन जिंदा लोगों ने ये हवा या ये अफवाह फैलाई है, उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि खुदा उनको शैतान से इंसान बनने की तौफीक अता करे, आमीन। लेकिन ये थोड़ा सा तसल्ली जरा खुल के भी दीजिए ना कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है और सब ठीक ठाक है। ग्रीन टी तो पिलवा दें, सुबह सुबह आपने उठा दिया, जरूर तैयार होना, गला खराब। ग्रीन टी भी, ब्लैक टी भी, कॉफी भी, नहीं, ब्लैक चीजें मुझे नेगेटिव चीजें पसंद ही नहीं। अच्छा, मुझे प्यारी प्यारी रंग वाली, खूबसूरत, मिठास वाली, आप जैसी चीजें पसंद। ओके, सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। आज रीमा खान से हमारे साथ हैं और हमने खूब सारी गपशप जो है वो करनी है, लेकिन उससे पहले रीमा पियेंगे ग्रीन टी और आप भी चाय का कप हाथ में ले लीजिए, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि एक ब्रेक के बाद हमारे हैं फिर वापस। आज हम मिल रहे हैं रीमा खान से और हम कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारी हीरोइंस पैदा की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से रोल मॉडल कम हमें मिले। ऐसी ख्वातीन जिन्होंने अपने लिबास, अपने जिंदगी के जितने मामलात हैं, जिसमें शादी से लेकर जितना उनका बर्ताव है, बातचीत है, बोलचाल है, नशिस्त बर्खास्त है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया हो, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो रीमा का है, जो कि एक बड़ी बात है। ये एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि फिल्म इंडस्ट्री के इमेज को लेकर उन्होंने जैसे अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म किया और आज एक पढ़ा लिखा, एक बाशऊर, एक सेंसिबल बात करने वाली बंदी जो है। तो रीमा, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का सफ़र है जो कि आपने तय किया है और बड़ी अपनी पहचान के मुख्तलिफ आपने एंगल्स हैं और डिस्कवर किए, विच इज़ ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है और हर इंसान के अंदर एक जुस्तजू होती है कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की। बड़े कम लोग हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, मगर जो पहुंच जाएं वो बहुत खुशबख्त, बहुत रहमत होती है उन पर। लेकिन उससे बड़ी खुशबख्ती होती है अगर उस मकाम पर पहुँच कर उसको मेनटेन कर लें, ठीक है? क्योंकि देखें ना, जब आप बुलंदी तक पहुँचते हैं तो फिर आंधी, तूफान, बारिश, ओले, हर तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जहाँ ठंडी हवा के झोंके होते हैं, वहाँ तपती धूप भी होती है, उसकी तपिश भी होती है। तो ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए आप कैसे रेजिस्ट करते हैं, आपकी बर्दाश्त कैसे है और कैसे आप अपने कदम पर जमे रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और अल्लाह की रहमत और मेरे प्यारों की दुआएँ और मेरे अपने अंदर की जुस्तजू जिसने मुझे आज तक इस मकाम पर कायम रखा है। और बाकी यही दुआ है कि जब इस दुनिया से जाएं तो फिर भी अच्छे अल्फाज में लोग याद हों। आमीन, ये तो हर एक। अच्छा रीमा, लेट्स कम बैक टू वो सोशल मीडिया जो सेंसेशनल न्यूज चल रही है। एक तो सेंसेशनल जो न्यूज है ना, सनसनीखेज खबरें, वो इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे लोग जो आपसे वाबस्ता, और हर बंदा ही वाबस्ता है, आप पाकिस्तान का एक चेहरा है, पाकिस्तान की शनाख्त है, पाकिस्तान की पहचान है, तो वाकई नहीं हुई है ना डिवोर्स? खुदा ना खास्ता फरा सुबह सुबह कैसी बात, अल्लाह माफ करे, आई मीन अगर नहीं हुई तो बिल्कुल अल्लाह कभी ना ये दिन दिखाए ना। देखिए, लेकिन ये बातें अभी तक ये मैंने पिछले कोई दो हफ्ते से इस तरह की गुफ्तगू सुनी, जो तो मेरे जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे वाकिफ हैं, जो डॉक्टर साहब से वाकिफ हैं, जो हम दोनों की जिंदगी को बहुत क्लोजली भी देखते हैं और जो सिर्फ जिन्होंने सुना हुआ है बट जो खुद पॉजिटिव हैं, उनमें से किसी एक ने ऐसा सवाल नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आपने इसलिए किया क्योंकि लोगों के सवाल आपके तक पहुंचे और लोग जवाब जानना चाहते थे। मैंने इन दो हफ्तों में मैंने किसी जगह पर आकर कोई तर्दीद, कोई जवाब,
किसी तरह की कोई बात नहीं तो इसलिए कि जब शेर हो जाते हैं मेरे कोई बात तो होगी जो लेकिन पहले पुराने वक्तों में होता था कि कोई बात होगी तो बात निकलेगी, लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये है कि बात होती नहीं, बात बनाई जाती है कि सोशल मीडिया पे जितने चैनल्स अब होते हैं वो कहते हैं आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब उस चीज़ में उनको पैसे मिलते हैं, वो समझते हैं कि वो हलाल का काम कर रहे हैं, जबकि ये हलाल में वो हराम शामिल करके अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप किसी की पुरसकून जिंदगी, खुशियों भरी जिंदगी, उसमें हलचल मचाने की कोशिश करते हैं जस्ट टू गेट द मनी, पैसे की गेम है ना कि हमें पैसा मिलेगा। अब उस पैसे के एव्स आप नहीं देखते कि आप दूसरे की जिंदगी में कितनी तलखियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता तलखियां भी नहीं मगर वक्ती तौर पर आप बदसुकूनी पैदा तो कर रहे हैं। अब यहाँ मैं एक बात कहूंगी कि देखें कुरान में भी अगर आप कुरान का शुरुआत देखें तो उसमें भी पहले तबर्रा है फिर तवल्ला है। तबर्रा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से, फिर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो पनाह किससे मांगी? शैतान से। और आज भी हम पनाह ऐसे ही शैतानी सोच रखने वाले लोगों से मांगते हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया पर आम जिंदगी में हो या सोशल मीडिया हो। अब ये चीज इतनी जंगल की आग की तरह फैल चुकी है कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अब मुझे जो महसूस होता है कि जो लोग देखते हैं पढ़ते हैं जिनको इल्म है या नहीं लेकिन अल्लाह ने सेंस सबको दी हुई, उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस बात में कितनी सदाकत है और कितना झूठ। और ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें कर रहे हैं हमें उनका फायदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन निमा जी एक और भी तो ट्रेंड बहुत ज्यादा है ना आजकल, आप एक खबर आई आपने उसकी तर्दीद उससे सख्ती से की, वो एक पूरा एक सीन क्रिएट हुआ आपकी तरफ से, वो नो लिफ्ट वाला सीन भी तो है ना, नो कमेंट्स नो रिस्पांस, तो वो भी लोग उससे भी बाज़ुकात नहीं फरा के टाइम नहीं है। जब आपके अंदर इत्मीनान होता है ना, जब आपका अंदर मजबूत होता है फिर आपको बाहर के इन फजूलियात की कोई परवाह नहीं होती। ठीक है हम इस सोसाइटी में रहते हैं, इस मुआशरे में रहते हैं, तो हम इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अपनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। और अपने कौन? जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, जो आपकी खुशियों भरी जिंदगी को आइडियलाइज करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो दुआएं हैं, वो जो शेल्टर है, वो ऐसे तीरों से आपको हमेशा बचा कर रखता है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात की ज़ाते पाक का बहुत शुक्र है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, हालांकि ये टॉपिक भी नहीं था आज का, आज तो मेकअप खाना और गपशप थी, मगर चूंकि आपने सवाल कर दिया तो मैं बिल्कुल कभी ना करती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे सवाल करना, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड समहाउ एक चल गया है रीमा जी के, सोशल मीडिया जो है वो उठाकर कोई ऐसी बात जो बेसर पांव की भी होती है या फिर शायद उसमें कोई कहीं ना कहीं सदाकत होती है, आई डोंट नो, लेकिन वो इतनी वायरल कर देते हैं जो बगैर तहकीक के बात होती है, जिसपे मुझे जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, एक हदीस नबी है और वो है किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये बात बहुत काफी है कि सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। और हम लोग देखे मैंने आपसे एक बात सुनी और सुन के मैंने उसे आगे पहुंचा दिया बगैर तस्दीक, वेरीफाई नहीं किया बगैर तस्दीक। देखें दिलों में जिंदा कौन रहेगा, इंसान की कोशिश होती है ना कि वो चला भी जाए मगर लोगों के दिलों में जिंदा रहे, क्योंकि इंसान तो मट्टी का पुतला है, इसने तो खत्म हो जाना है, नेस्तो नाबूद हो जाना, इस दुनिया से चले जाना। आपके जाने के बाद क्या रह जाता है? आपकी अच्छाइयाँ। और अच्छाइयाँ क्या होती हैं? जब लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ठीक है। तो दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो अपने जो आसानियाँ बांटते हैं, जो प्यार बांटते हैं। ठीक है। तो मुझे महसूस होता है कि अगर चलो जिन्होंने भी नेगेटिव इस तरह की बातें की, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा उनका भी भला करे और खुदा उनको भी इंसान बनने की तौफीक दे। अब एक और बात के साथ अपनी बात को आगे लेकर चलूंगी। देखिए फरा, एक जानवर को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो चीखता है, उसको अपना दर्द महसूस होता है। जब दूसरे जानवर को तकलीफ पहुंचे तो जिसको तकलीफ नहीं पहुंची वो बिल्कुल आराम से बैठा देखता रहता है। तो ये तो जानवर हुआ जो सिर्फ अपना दर्द महसूस करता है। इंसान और जानवर में यही फर्क है। इंसान खुद उस तकलीफ से ना गुजर रहा हो लेकिन अपने सामने किसी इंसान को तकलीफ में मुब्तला देखता है तो वो कर्ब, वो तकलीफ, वो शिद्दत
वो अपने दिल में महसूस करता है। हाँ। तभी तो अशरफुल मखलूकात में शामिल होता बिल्कुल सही। जानवर से अफजल हो गया, फरिश्तों से भी अफजल कर दिया गया अपने एहसन अखलाक की वजह से, अपने अच्छे अमल की वजह से। तो फर्क बस यही है कि जो ऐसे जानवर जो अपने मुफाद के लिए या अपना फायदा देखते हैं या सिर्फ अपनी तकलीफ महसूस करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों की किरदार कुशी करना, उनको उसमें लुत्फ आता है। ठीक है, लेकिन रीमा जी आपने भी तो आते ही धमाके किए थे ना इस दफा माशाल्लाह। आपने पेप्सी का भी ऐड किया और फिर आपने उसके बाद PSL का वो उसमें आपने गेटअप किया जो एक बड़ा लोगों के लिए शॉकिंग था कि इतने अरसे के बाद वापसी और इतनी धमाका खेज। एंड देन उसके बाद आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे साइन किए जिससे शायद लोगों को ये मौका मिला। और सोशल वर्क तो आपने किया ही हो तो आप हमेशा से उसके साथ अटैच हैं, लेकिन स्क्रीन पे आप बड़ी तेजी से वापस आई, एक लंबे अरसे के बाद आप स्क्रीन पे फुल टाइम कमबैक लिया आपने। तो इससे भी तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इतनी किसी की अच्छाइयां, किसी की कामयाबियां या किसी के अच्छे काम को देखकर हमें नेगेटिव किस्म की चीज़ों को जो है वो लोगों के सामने लाना चाहिए। हाँ। उसकी अच्छाइयों को हमें बुराइयों में तब्दील करके लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ये तो देखें कि मैं अब ज़्यादा इसलिए नहीं बोलती कि वाकई नज़र लगती है, लेकिन जिन लोगों ने माज़ल्ला ये कहा कि रीमा की खुशियों को नज़र लगी, तो उन्हें कहें कि रीमा की खुशियों की हिफाजत करने वाला एक तो वो ज़ात है जिसने हर कदम पर मुझे उस चीज़ से नवाजा जिसके लिए लाखों लोग सिर्फ तसव्वुर करते हैं और ख्वाब देखते हैं। बिल्कुल सही, वो मेरी खुशियों की हिफाजत भी करता है और मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे इन तमाम प्यार करने वालों की बहुत सारी गुड विशेस जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत अपनी अमान में रखा है मेरे घर को, मेरे शौहर को, मेरे बेटे को और मेरी इज्जत को। ठीक है, जहाँ तक आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, मैं पाकिस्तान से आई और हम अमूमन में 1 से 2 माह के बाद वापस चली जाती थी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। मेरा इस दफ़ा का स्टे थोड़ा लंबा इसलिए हो गया कि मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका अमेरिका का वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। तो फिर स्पेशली तारिक अमेरिका से आए ये तो किसी ने खबर नहीं दी। हाँ। ये तो किसी को पता नहीं चला क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई फैमिली लाइफ जो है मैंने कभी लोगों के सामने मैंने उसकी उस तरह से तशहीर नहीं की। ठीक है, जो मुझे पसंद भी नहीं कि वो मेरी फैमिली की अपनी मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। तारिक एक ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान कि मेरे एक फ़ोन कॉल पर वो यहाँ पर आया और डॉक्टर शहरियार जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में उनका शुमार होता है, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स में, उन्होंने जिस तरह से तारिक को वेलकम किया और तारिक को अपॉर्चुनिटी दी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मेरे वालिद को ऑपरेट करने के हवाले से। डॉक्टर तारिक ने ऑपरेट किया? जी तारिक ने ऑपरेट। अरे नहीं, अच्छा। और बड़े दिल का मुजाहरा किया डॉक्टर शहरियार ने। अच्छा। जिन्होंने कहा कि जी वरना अमूमन यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना कर देते हैं, मगर ये उनका बड़ापन उनकी कुशादा दिली कि उन्होंने बहुत मोहब्बत से तारिक को वेलकम। तो वालिद की एंजियोग्राफी हुई? जी, अच्छा। वालिद की एंजियोग्राफी हुई। और तारिक स्पेशली एक ऐसा सन इन लॉ जो बेगम के एक फोन पर अपने सारे काम छोड़ और ये कितना डिफरेंट, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग सी बात लगी, अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत दे, लंबी उम्र दे, लेकिन दामाद जो है वो ससुर को ऑपरेट कर रहा है, उनकी सर्जरी कर रहा है, ये एक बड़ी बात, वरना वुमन कह देते हैं कि रिलेटिव्स हो जहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन इन्वॉल्व हो वहाँ सर्जन खुद ही रिफ्रेन करते हैं, वो नहीं करते। जब आपका बहुत क्लोज रिलेशन हो तो आप बहुत अंडर प्रेशर इमोशन। हाँ। तारिक ने किया और फिर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने फैमिली ने टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा, फिर वो वापस चले गए। ठीक है, उसके बाद मैं अमेरिका भी गई, बीच में लंदन भी गई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने हम लोग लंदन मिले, फिर अमेरिका में मिली, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी सास की तबीयत खराब हुई और वो कराची विजिट कर रही थी, उनका इंतकाल हो गया। हम लोग फिर वापस अमेरिका से फौरन कराची पहुंचे और जब कराची पहुंचे तो वो फिर इस तरह के इंसिडेंट्स हुआ कि सारे रिश्तेदार सब अजीज वकारब जो बाहर भी थे वो पाकिस्तान आ गए। फिर वो उस तकलीफ से उस ट्रॉमा से हम लोग गुजरे, वक्त गुजर गया। तारिक को मैंने कहा कि मैं साथ चलती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम अपने अब्बू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो उसके बाद आप आ जाना। फिर अम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मैंने कहा दोनों के वीजे एक्सपायर हो गए, वो मैंने फिर वीजे के लिए उनके अम्मी अब्बू के पासपोर्ट भेजे। तो इसी दौरान मुझे एक दो असाइनमेंट्स मिल गई। ठीक है, उनको पता चला कि मना नहीं किया था कि ना करें असाइनमेंट्स, जल्दी आ जाइए, पर हम मुझे बताएं कि ये जो हजारों की तादाद में इस वक्त वो एंकर्स हों, वो आर्टिस्ट हों, वो डायरेक्टर्स हों, वो प्रोड्यूसर्स हों, वो टेक्नीशियंस हों, जो इस शोबिज की फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या वो गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जब वो काम गलत नहीं है, कई शादीशुदा हैं, बल्कि मोस्टली लोग शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, उनके बच्चे भी आगे से काम कर रहे हैं, तो जब ये मीडियम इतना रिस्पेक्टेबल है
तो इसमें आकर काम करना था, मायूब क्यों? और अगर ये मायूब है तो फिर सब लोग काम क्यों कर रहे हैं? फिर रमजान में इतने उल्मा टेलीविजन पर क्यों आते हैं? सही, इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हैं? लोगों की सलाह क्यों करते हैं? तो देखिए, ये एक मीडियम है, यहाँ पर अगर आप आकर एक अच्छा काम करते हैं, ग्रेसफुल काम करते हैं, जिससे आपकी जात, आपकी इज्जत पर कोई फर्क ना आए, आपकी फैमिली को कोई एतराज ना हो, तो फिर किस बात पर कोई परेशानी या टेंशन? हाँ, ये इस बात पर एतराज सिक्योर होते हैं ना थोड़े से, वो कहते हैं बस बहुत हो गया। नहीं फरहत, तारिक एक, मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा नहीं बोलती, मैं बहुत अपनी अपनी खुशबख्ती समझती हूँ। अच्छा, देखिए शादी मुझे नहीं पता, मैं हाथ वात नहीं दिखाती, मगर मुझे यकीन है कि जैसे ये तिल एक है ना मेरे हाथ में, अच्छा, इसी तरह एक ही शादी की लकीर है। अच्छा। या तो शादी की नहीं, हाँ। और अगर इतनी देर के बाद की, हाँ। तो फिर अल्लाह ने ऐसा फरिश्ता सिफ्त इंसान मेरी जिंदगी में दे दिया कि ये मेरे पहले और आखिरी शौहर है। तारिक के अलावा, तारिक के अलावा जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज्जत मेरे शौहर ने, और जो कॉन्फिडेंस और जो सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती एक सांस लेने का भी अपने हस्बैंड की खुशी के लिए। और उनके अलावा, वेरी गुड, विद दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स रीमा खान के महल इन अल्फाज के साथ में सारी अफवाहें दम तोड़ जानी चाहिए जो अभी तक गर्दिश कर रही हैं कि खुदा ना खास्ता इन दोनों के, डॉक्टर साहब और रीमा के दरमियान कोई इख्तलाफात या कोई कशीदगी या कोई, मैं लफ्ज भी नहीं कहना चाहती, लेकिन ये कि विश ऑल द बेस्ट रीमा, थैंक यू, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है, इससे कि किसी भी घराने का टूटना, किसी भी घर का टूटना किसी के लिए खुशी की खबर नहीं होनी चाहिए और ना होती है, ये अफसोस। एक बहुत अहम बात और ऐड करूंगी, देखिए शोबिज, मैं 15-16 साल की एज से इस फील्ड के अंदर हूँ, मेरे लिए शोहरत नई नहीं, मेरे लिए काम करना नया नहीं, मेरे लिए पैसा बनाना नया नहीं, ये सब चीजें मैं अपनी जिंदगी में बहुत अर्ली एज से हासिल कर रही हूँ और बहुत अल्लाह ने नवाजा। तो मैं कहीं से, मेरे कोई 12 सींग नजर आते हैं कि किसी असाइनमेंट की वजह से या किसी ऐसी चीज की वजह से मैं अपने घर को निग्लेक्ट करूंगी, ठीक है, मैं अपनी फैमिली लाइफ को एक साइड पर रखकर इन चीजों को प्रेफरेंस दूंगी। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने काम की भी और अपने घर की भी, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस ये लड़की के लिए सबसे मुश्किल है, किसी भी खातून के लिए, वो शोबिज में हो या शोबिज से बाहर काम करे, कि आप दोनों चीजों में बैलेंस कैसे करते हैं, और दोनों चीजों में बैलेंस आप एक ही तरह से कर सकते हैं जब अदब, इज्जत और कॉन्फिडेंस और एतमाद हो। क्या बात है जी, एक रिलीफ हमें मिला कि इस तरह की खबर में कोई सदाकत नहीं है। आपके सामने रीमा ने बड़ी तफसीलन इसका जवाब दिया है। बाकी बातें जो छेड़ूंगी मैं ब्रेक के बाद छेड़ूंगी, और एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा, क्योंकि मैंने रीमा से कुछ ऐसी फरमाइशें करनी है जो शायद रीमा को हैरान कर देंगी, थोड़ा सा शायद परेशान कर देंगी, लेकिन वो आज हम पूरी करवाएंगे लाइव, तो आप हमारे साथ जरूर रहिएगा। आज हम मिल रहे हैं रीमा खान से, और वेरी एक्साइटेड टू नो कि माशाल्लाह से इनकी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है जिस तरह की हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि सब खैर खैरियत से है, डॉक्टर साहब और रीमा जो हैं वो दे आर टुगेदर, फैमिली उसी तरह से इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं है, वेरी गुड। आगे चलने से पहले एक मैंने अब फरमाइशी शो करना है आगे सारा। जी 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 जी, यार इजाजत है। जी जी। अच्छा, पहली फरमाइश है कि कोई अच्छा सा गाना तो डेडिकेट करें डॉक्टर साहब को इस आवाज के साथ। तो कोई बात नहीं, वो दिल की आवाज आपकी हम सुनेंगे ना। मेरा गला इस कदर खराब है, आप मजाक बनवाना चाह रही हैं? नहीं, ये बाकी को बदला ले रही हैं? नहीं, अभी तो और बहुत सारी फरमाइशें बाकी हैं, तो आवाज और कह लें, मगर गाना यार आवाज ठीक हो तो फिर कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब के प्यार में गा दें, गले से ना गाएं दिल से गाएं। अच्छा, ये कह दिया। Dedicate this beautiful song to my loving husband, Sayyid Dr. Tariq Shahab, aapke liye. Dil ho gaya hai tera deewana, sab koi jachta nahi, nadaan hai samajhta nahi, bin tere rehta नहीं।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे डॉक्टर साहब को कितने गाने सुनाए आपने? ये मोहब्बत के जोर पे गा दिया, वरना हालत ऐसी नहीं थी। नहीं, आई एम थैंकफुल। कितने गाने आपने डॉक्टर साहब को सुनाए आज तक प्यार में? अच्छी अच्छी बातें बहुत सुनाई हैं, वैसे कभी नहीं कोई सुनाई मौका ही नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, ये प्यार हम लोग गाते हैं। कहते हैं जिस घर में लड़ाई ना हो वहाँ मियाँ बीवी का कोई प्यार मोहब्बत भी इतना नहीं होता। आंटी सामने बैठी, आंटी ठीक कहते हैं ये है? कहते हैं वो जहाँ दो बर्तन हो वहाँ खड़ाक होता ही है। नहीं, खड़ाक ऐसा होना चाहिए फरा जिसमें बदतमीजी ना हो। बिल्कुल, मेरा ईमान ये है। और चूंकि वो वाकई पढ़े लिखे आदमी है यहाँ से भी, तो इसलिए कभी हमारी लड़ाई ऐसी नहीं हुई जिसमें आवाज दोनों की ऊंची हुई हो। अच्छा, बड़ी खामोश लड़ाई होती है। अच्छा, अगर मतलब कैसे? तैयार होते हुए देर हो गई मुझे और टाइम पर पहुंचना था, या खाना लग गया और खाना लगा कर मैं चली गई नमाज पढ़ने। अच्छा, तो वो फिर अभी, बल्कि मैंने सुना है कि खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, तो मैं अपनी इसलाह कर रही हूँ ऐसी छोटी मोटी चीजों से। या अजलान के ऊपर ज्यादातर लड़ाई होती है। अच्छा, मैं मेडिसिन दूंगी तो वो मना करते हैं कि बच्चा जब बहुत छोटा हो तो कोशिश करें कि उसका अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। बच्चे को ज्यादा मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं कहती हूँ बच्चा सफर कर रहा है, उसको खांसी है, तो इमीडिएट मेडिसिन दें। जो एक माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, मेरा बच्चा, तो तारिक मना करते हैं। तो हमारा इस बात पर कभी इख्तलाफ हो जाए, ठीक है, तो हम दोनों में कभी ये नहीं हुआ कि पहल कौन करेगा मनाने में। ठीक है, जब वो सामने आते हैं, क्योंकि बात ऐसी नहीं होती, उनकी शक्ल देखती हूँ, स्माइलिंग फेस देखती हूँ, तो मैं भी मुस्कुराहट से बात, पिछली बात को भूल जाती हूँ। या वो जब मुझे देखते हैं, मैं कुछ ज्यादा अकड़ दिखाऊं, तो वो बड़े आराम से आकर एक सॉरी का कार्ड लिखकर मेरी साइड टेबल पर रख देंगे। अच्छा, या फिर मेरे लिए कोई मेरी फेवरेट डिश बाहर से लेकर आ जाएंगे, या फूल ले आएंगे, या परफ्यूम ले आएंगे। ठीक है, तो हमारी इसी तरह की सुलह और इसी तरह की प्यारी प्यारी लड़ाई। वेरी गुड यार, ये बड़ी जबरदस्त बात है। आपने यानी जब नया परफ्यूम लेना हो आप लड़ाई कर लें। नया परफ्यूम लड़ाई, बल्कि आज एक बहुत लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जहां हम इतनी दुआओं में शामिल रखते हैं, ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया, अब एक बेटी सल्ला नवाज़े। आमीन। तो से कहेंगे हम सब आमीन। बाकी उसकी उसकी जात के हाथ में है। इसका नाम क्या रखेंगी सोचा? नाम दो तीन सोचे हुए। देखिए, लोगों ने कहना कि शायद कोई न्यूज आ रही है, एक नई खबर, गुड न्यूज। देखिए, ख्वाहिश है कि मुझे बेटियां बहुत पसंद ख्वाहिश है, तो बस मगर पहले आ रही है, फिर समझे आ रही है इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, दुआ करें। बट मुझे मुझे मैं हमेशा सोचती थी कि अल्लाह ने बेटा दे दिया, फैमिली कंप्लीट हो गई, मगर अब जब मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा बहुत लोनली फील कर रहा है, तो कोई भाई, कोई भाई या बहन होना चाहिए। तो इसलिए ख्वाहिश है कि पहले बेटे की थी, अब बेटी की, क्योंकि बेटियां बहुत जरूरी होती हैं जिंदगी माँ के लिए। तो नेमत अल्लाह ने दे दी, अब अल्लाह एक रहमत भी। रहमत का नाम क्या होगा? बहुत सारे नाम हैं, मगर मुझे एक नाम बहुत पसंद है। एक तो है तस्मिया। अच्छा, सईदा तस्मिया। और दूसरा एक नाम है नाला, बड़ा बहुत ही एक मुश्किल सा नाम है। अच्छा, और अच्छा ये भी मुझे मना किया गया था कि वो भी कबल वक्त मत बताना, कि पता चले अगर ऐसी न्यूज होती है, कुछ होता है, उससे पहले वो नाम रखा जा चुका। बहुत सारे लोग वो करें। अच्छा, वो कर लें। तो एक और बहुत दो तीन प्यारे नाम है। अच्छा, मगर मुझे अभी तक जो सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट किया वो तस्मिया। तस्मिया। अच्छा, डॉक्टर साहब की मशावरत शामिल होती है नाम रखने में कि नाम रीमा खान ही रखती है? अजलान का नाम मैंने और मेरी एक दोस्त ने, बहुत सारे नाम थे मगर ददियाल वालों का भी था कि उनकी घर की ये तारीख के हवाले से पहली खुशी थी, तो वो भी ख्वाहिश रखते थे कि हम लोग बच्चे का नाम रखेंगे। और ननियाल वालों का भी था कि मेरी सब बहनों में सबसे आखिर में शादी हुई, ठीक है, तो उनका था कि अब बड़ी बहन की पहली खुशी है तो हम नाम रखेंगे, ठीक है। तो मगर इस कॉन्फ्लिक्ट में भी बड़ा प्यार था, एक अदब था, तो फाइनली मैंने ननियाल ददियाल दोनों के नाम रख लिए, मगर बीच में से इंतखाब किया अपनी कैसी आउटसाइडर दोस्त का, ठीक है, जिसके इन दोनों फैमिलीज के साथ सिर्फ सलाम की हद तक रिलेशन था, ठीक है, और फिर नाम उसने ये नाम। वेरी गुड। अच्छा जी, मेरी दूसरी फरमाइश, हम जानना चाहते हैं कि रीमा खान जो है वो मेकअप क्या लगाती हैं, क्या करती हैं, कौन सी कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, है ना?
सो प्लीज आपका जो पर्सनल मेकअप पाउच जिसे हमें दिखा दें कि मैं ये बेस लगाती हूँ, मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि यू आर माशाल्लाह ऑलवेज यू लुक सो परफेक्ट। और उसकी अब मैं सारी डिटेल्स पे आऊंगी आपकी इजाजत के साथ। अच्छा, पहले मेकअप। वैसे तो ये भी इल्जाम लगता है कि जी डॉक्टर की बीवी है ना, पता नहीं क्या क्या कुछ किया होगा उसने, क्या क्या कुछ किया अच्छे काम किए। मैंने तो जब से आपको देखा है आप वैसी की वैसी है माशाल्लाह से। सो इसका कोई सीक्रेट भी आपसे हमने पूछना है। पॉजिटिविटी, खुश रहना, दूसरों की खुशियों को देखकर खुशी महसूस करना, नहीं और हसद में मुब्तला होना। माशाल्लाह ये अच्छी सारी बातें, लेकिन अजलान पैदा हुआ है। अम्मा जी जितनी स्मार्ट पहले थी उतनी स्मार्ट अब मैं, कहीं से एक इंच एक सेंटीमीटर कोई वेस्ट कोई साइज नहीं चेंज। मैंने गेन किया था, मैंने 47 pounds गेन किया था वहाँ पर, जो हमारी अमेरिका में मेरी एक फैमिली की तरह जो कम्युनिटी है जिन्होंने मुझे बहनों की तरह बहुत प्यार दिया और आज तक इतनी मोहब्बत करते कि जब मैं यहाँ आती हूँ तो वहाँ से कॉल्स आती हैं, भाभी वापस कब आएंगी, यार वापस कब आओगी, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो यहाँ से कॉल्स आती हैं, आप वापस कब आ रही हैं, अम्मी बहन भाई। तो माशाल्लाह उसकी जात की बड़ी रहमत। देखें डाइट बाय डिज़ाइन हमारी एक सादियाँ हैं जो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को स्मार्ट करने के वो बहुत अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स बताती हैं, तो कुछ उसको भी फॉलो किया जाता है। और दूसरा मैं खाती सब कुछ हूँ मगर एक्सरसाइज और क्वांटिटी कंट्रोल, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही, मेरे इसमें दिलचस्पी ज़्यादा है। और मैं बेवरेजेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती एक्सेप्ट वन, और वो है TETSI अमूमन हम किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं तो उसके बहुत पैसे चार्ज करते हैं, मगर कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जैसे डाइट बाय डिजाइन है स्मार्टनेस के हवाले से या मेकअप के हवाले से जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए आप ये सब चीज़ें एक साइड पर रख देते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो नबीला का नो मेकअप मैं यूज़ करती हूँ जिसमें बेस बहुत सॉफ्ट है, ब्लश ऑन बहुत सॉफ्ट है, और 10 मिनट में बल्कि उससे भी कम 1 to 2 minutes के अंदर आप तैयार हो जाते हैं। वेरी गुड। और फरहान मेरा ये अपनी मेरा एनालिसिस है कि हर इंसान बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो दूसरे से मुख्तलिफ है, उस जैसा कोई नहीं। तो जब आप जैसा कोई नहीं तो इसका मतलब है आप खास हैं। जब आप खास हैं तो खास को खासुल खास बनाने के लिए बहुत आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत है। वेरी गुड, गुड। ये बेस है जी, इसके अंदर बेस भी है, वो बहुत ये सारा कुछ आप यहीं से नहीं यूज़ करते हैं? यहीं से अब तो बहुत यूज किया हुआ है, मगर ये कि ये आप अगर आई बैग्स हैं तो उसको आप कंटूर कैसे करेंगे, ये बेस के लिए, ये ब्लश ऑन के लिए और ये लिपस्टिक के लिए। अच्छा, सारा कुछ इसी एक सब छोटे के अंदर है। सही। और पाउडर के लिए इसके अंदर होता है जो खत्म हो चुका है, ठीक है, यूज इतना ज्यादा मैंने किया है, ठीक है, ओके। बस वो आप इसके साथ अप्लाई करके बिल्कुल 5 minutes में। सो एक तो ये हो गया। इसके अलावा रीमा की कोई खास आई मेकअप टिप, क्योंकि आपका आई मेकअप भी हमेशा बड़ा जबरदस्त रहा है, सॉफ्ट होता है आई मेकअप में। बॉबी ब्राउन का एक शेड है बहुत सॉफ्टली मैं उसको करती हूँ, और क्रिस्टन डियोर का एक है जिसमें आप हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा सेंटर में देकर आप उसको आंख को इनहेंस कर लेते हैं, ठीक है। और मस्कारा मैक का यूज करती हूँ, अब ये सब ब्रांडेड हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो सच है जो सच है। अच्छा, रीमा की हमेशा फ्रेग्रेंस बड़ी खास होती है, जो लोग रीमा से पर्सनली मिले हुए हैं, मैं जब भी रीमा से मिली हूँ तो रीमा से, ये रीमा उन चंद खवातीन में से जिनसे मिलकर आपका दिल करता है कि आप लंबा सा सांस लें, इसलिए अच्छा लगता है। तो रीमा कौन सी फेवरेट परफ्यूम जो आप रिकमेंड करेंगे? ये सीक्रेट है, ये नहीं बता सकते इसमें क्या सीक्रेट है। ये सीक्रेट इसलिए कि जो फ्रेग्रेंस मैं यूज करती हूँ वो एक नहीं है, मैं 2 to 3 को मिक्स करती हूँ। अच्छा, तो वो मिक्स इतना खूबसूरत बन जाता है। एक तो ऊद होता है जरूर कहीं ना कहीं, ऊद भी मैं यूज करती हूँ, खासतौर पर जब आप नमाज वगैरह पढ़े तो मना किया जाता है कि अल्कोहलिक जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो आप इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है, तो ऊद उस वक्त इस्तेमाल करती है, वो जो दुबई से या आप सऊदी अरब से खरीदते हैं, लेकिन अमूमन मैं परफ्यूम बहुत यूज करती हूँ, मेरी कमजोरी है खुशबू, तो वो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बता दो यार, नहीं बता दो थोड़ा सा एक बात बता दे। चलो, जो खवातीन आज इस गर्मियों के सीजन में प्लान कर रही है कि उन्हें गिफ्ट मिलना है बर्थडे का या फिर उन्हें परचेज करना है, तो कौन सा खरीदे? मैं हर्मेस के परफ्यूम्स ज्यादातर यूज करती हूँ। अच्छा, और उसका कोई भी उठा लें? नहीं, कोई भी नहीं, ये आपकी अपना टेस्ट है। अच्छा। आपकी अपनी सेंसेस हैं कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है या अट्रैक्ट करती है, ठीक है, मगर फिर हर बॉडी की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। हाँ।
इवन मेरी अम्मी ने सेम जो आपने बात की, मेरी अम्मा मुझे कहती ये ए जड़ी खुशबू तू ला ली ना, ए वाली खुशबू मैंने ले आके दूँ, और मैं उनके लिए हमेशा लेके जाती हूँ, फिर कहेंगी नहीं जो तुमसे खुशबू आ रही ये वो वाली नहीं है, अम्मा मैं आपसे झूठ नहीं बोली, ये सेम वही वाली है। तो हर बॉडी की एक अपनी भी फ्रेग्रेंस होती है, तो शायद मेरा एक डिफरेंट एक उसका वो हो जाता है। अच्छा रीमा, रीमा के माशाल्लाह घने खूबसूरत बालों का क्या राज है, जो हमेशा रीमा का एक हॉलमार्क रहे हैं, बुलंदी से लेकर अब तक बाल आपके माशाल्लाह खूबसूरत रहे हैं, हमेशा शाइनिंग, लंबे, सिल्की, स्मूथ। ये जीन्स को भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, मेरी अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से, दोनों की तरफ से बाल अच्छे, स्किन अच्छी, ये भी क्रेडिट जाता है। अभी जब मैं आई थी पाकिस्तान, बल्कि अभी मुझे तारिक से डांट भी पिटेगी इस बात पर, तो मेरे बाल इतने थे, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, मेरे इतने बाल थे, आपने वो कटिंग करवाई, और वो कुछ कमर्शियल्स की वजह से, उन्होंने कहा कि इतने बालों में कोई स्टाइल नहीं बनता, बिल्कुल इजिप्शियन लग रही हैं, और कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो नबीला, आपको पता है कि मेरी स्टाइलिस्ट हैं वो, उन्होंने बस सोने पे सुहागा क्या हुआ कि कुछ मैंने ट्रिमिंग करवा ली। अभी जो मैं 10-15 दिन पहले उम्रे पे गई, तो उसकी वजह से भी बड़े लोगों को हुआ कि अकेली उम्रे पर कैसे चली गई। अच्छा, तो मेरा वो मैं जो ड्रामा कर रही थी तो उसका स्पेल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब ये जो डेट्स है जाया करने के बजाय मैं इसको अवेल कर लूँ, तो एकदम दिल में ख्वाहिश हुई कि अल्लाह के घर इतनी जो रहमतें हैं, सजदा शुक्र अदा कर दूँ, उसके घर जाकर सजदा शुक्र अदा कर लूँ। तो उम्रे का प्लान बना और भाई के साथ मैं उम्रे पे चली। तो फिर तो बातें उड़नी थी ना, तो ये तो अल्लाह के घर जाके भी बातें उड़ानी, तो यार उड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नाम होगा तो लोग बदनाम तो करने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो जिसका जो काम है उसको करने दो, छोड़े इन बातों पर ध्यान। कोई खास तेल लगाती है बालों में, कोई खास? अच्छा, मैं बालों वाली बात ही कर रही थी। जब उम्रे पे गई तो एक खातून ने मुझे कहा कि वो जब उम्रा किया और सही की और तवाफ निसा किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी बाल काटने। अब बहुत थकान थी, तो मेरी दोस्त भी साथ थी, एक ग्रुप आसिया जी है उनका ग्रुप भी साथ था, तो उनकी वो फ्रेंड्स जो मेरी बीच में थे उस ग्रुप में, वो भी मेरे साथ थी। तो हमने जब बाल, अमूमन मैं यहाँ से थोड़े से बाल देकर तो मैं यहाँ से कटवा देती, तो कैंची नहीं थी हमारे पास, एक खातून वहाँ थी, तो मैंने कहा बीबी आपके पास है तो मेरे बाल थोड़े से, आपको तो पता नहीं बाल कहाँ से काटने चाहिए, यहाँ से नहीं काटने चाहिए, यूं करके चुटिया से। उस मेरे पसीना बहुत आया हुआ था, तो हिजाब के अंदर से मेरी बाल निकाले, तो मैं अब जितनी देर में पलट के देखती, तो उन थी भी माशाल्लाह काफी मोटी, तो उन्होंने लपेट ये अक्सर करती हैं, दो बल दे दिए यूं करके, हाँ यूं करके काटे, और दो बल दे दिए, और जितनी देर में मैं टर्न करती वो कैंची चला चुकी थी। एक झटका सा तो लगा मेरे दिल को, वापस जब आई तो वो बहुत एक तकलीफ वाली जो चीज थी कि जब मैंने बाल खोले तो एक साइड से इतने थे और एक साइड से इतने थे, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, काटने पड़ गए। तो फिर मेरे बाल, तेल नहीं बताया आपने, तेल देखें 2-3 तरह के हैं जो मैं यूज करती हूँ, वो आपको ऑयलिंग मस्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी आने से पहले भी कल रात मैंने खूब सारा तेल लगाया था। अच्छा, और फिर मैंने बाल वॉश किए। अच्छा, तो एक तो सरसों का तेल तो आप जरूर यूज करें, मगर कोकोनट ऑयल मैं बहुत पाबंदी से इस्तेमाल करती हूँ, नारियल का तेल ठीक है, ऑलिव ऑयल भी यूज करती हूँ, जिनके बहुत सिल्की है वो थोड़ा अवॉइड करें, मगर जिनके थोड़े देरी बाल हैं या रफ बाल हैं उनको तो ऑलिव ऑयल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और फिर देसी अंडे की योक, दही, सरसों का तेल और उसमें लेमन के कुछ कतरे डाल के, ये मेरी नानों का टोटका है, और दही भी वो वाली जो खुली दही मिलती ठीक है, ये डब्बे वाली दही में ठीक है, बस उसका मिक्स करके, अब तो गर्मियां आ गई, सीजन आ गया ये, तो बस उसमें बालों के पार्ट्स कर आप जब उसको अच्छी तरह मसाज करके ऊपर जुड़ा करके बांध ले, स्मेल आएगी, थोड़ा बुरा भी फील होगा मगर बर्दाश्त कर। ये अमेरिका में भी आप करती हैं? अमेरिका में भी करती हूँ, डॉक्टर साहब शाम को आते हैं तो मैं सुबह लगाकर 2-3 घंटे बाद अच्छी तरह शैम्पू करके खुशबू वाले शैम्पू से बाल वॉश करके। बिल्कुल सही। सो रीमा खान से आज हमारी मुलाकात, जैसे मैंने आपको कहा है मैंने उनसे फरमाइशें करनी, कुछ और फरमाइशें बाकी है रीमा भी, बहुत हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह में आज आप मिल रहे हैं रीमा खान से, और रीमा की जो पर्सनालिटी है वो एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जिसने 200 से ज्यादा फिल्में की हुई हैं, जिसने अपने करियर के अरूप आगाज ही बुलंदी से किया, फिर बुलंदी से बुलंदी तर का सफर जो है वो जारी रखा। आखिर लम्हे तक जो आपने छोड़ा, मैंने आपका जो एक इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देखा,
25 लाख से ज्यादा अर्निंग थी आपकी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये आपने पाकिस्तान में कभी नहीं बताया, वहाँ पे माँ आपने बताया और जिसको छोड़ के आपने शादी की। बिल्कुल, घर बसाया। पैसा कमाने की तो कोई हद नहीं इस दौड़ में, तो जितना आप आगे जाए आपको लगता है अभी तो शुरुआत है, मगर जब ये सारी चीज़ें अचीव कर ली तो मुझे था कि वो फ्लेवर जो एक बीवी की हैसियत से, एक बहू की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, वो भी फ्लेवर्स आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए फिर तो ये फ्लेवर जो है ये तो बीवी का बड़ा खास फ्लेवर है कि उसने खाना तो बनाना ही होता है। बिल्कुल खाना बनाना होता है, बल्कि तारिक को घर के खाने का बहुत शौक है, तो मुझे बिल्कुल आता नहीं था, ये नहीं कि समझ नहीं थी मगर कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, मगर तारिक की वजह से मैं खाने में कुछ थोड़ा बहुत। चलिए फिर आज मैं आपके साथ असिस्ट करने के लिए मौजूद हूँ, या फिर जैसे आप कहेंगी उस तरह से। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, चिकन कढ़ाई? कढ़ाई बना लेते हैं जल्दी जल्दी। आपने घर में कभी दावत की है? मेरे घर में बहुत दावतें होती हैं, बहुत दावतें। क्या चीज आपकी जरूर बनती है जो आपने जरूर बनानी होती है और लोग फरमाइश भी कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो वो बना रही हैं? नरगिसी कोफ्ते, इसकी बहुत फरमाइश होती है। तो उसके ऊपर अंडे के ऊपर कीमा चढ़ जाता है? कीमा चढ़ जाता है। अच्छा, बेसन के साथ किस तरह से मिक्स करके और क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ती है। फिर सबसे बड़ी बात कि वहाँ मुझे हेल्प बहुत अच्छी मिल गई। अच्छा, हमारी एक देसी आंटी है, वो आकर जब हेल्प करती हैं तो बहुत सारी मुश्किल चीजें जो है वो आसानी से बन जाती है। वेरी गुड। सो अब इसमें सबसे पुलाव, मेरे घर का बहुत यखनी पुलाव बहुत पॉपुलर है। अच्छा, पालक गोश्त बहुत ज्यादा। इसके अलावा हलीम, चिकन की हलीम, अमूमन बीफ की हलीम होती है, इसको थोड़ा फ्लेम कम कर दीजिए। ठीक है। अच्छा जी, ऑयल दे दे मुझे सबसे पहले। हाँ, ऑयल जो है इसमें कैनोलिव का हम पाउच यूज कर रहे हैं, जो कि इसका इजी मेथड है। आप तेल वैसे कौन सा यूज करती है खाने में? हम लोग वेजिटेबल ऑयल, देसी ऑयल भी यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं, मगर मैं ज्यादातर जो है ऑर्गेनिक ऑयल इस्तेमाल करती हूं। ठीक है, कॉन्शियस है, तेल घी देसी घी नहीं खाना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहीं। नहीं, मैं देसी घी तो मैं प्रेफर करती हूँ। मैं अपने बेटे को खाना देसी घी में बनाती थी। खुद खाती है? खुद भी खाती। अच्छा, कहाँ जाता है वो? फरा, मैं कभी वो बात नहीं कहूंगी आकर जो मैं खुद नहीं करती। ठीक है, मेरा मुझे हमेशा ये बड़ी तकलीफ महसूस होती है कि आप दूसरों को तो नसीहत वसीयत करें मगर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, तो दैट इज सो बैड। सो हमने पहले आप प्याज तो मैं सारे ही डाल दूं, मुझे डाल दे, तो डाल दे, डाल दे, डाल दे। कढ़ाई में तो जितना प्याज हमने आपके हाथ की कढ़ाई खानी आज। अच्छा, चलें फिर फ्लेम तेज कर दें ताकि। ठीक है, मैं तेज कर दूं फ्लेम थोड़ा सा कर। अच्छा, अब इसमें और क्या डालेगा? इसमें ऑफकोर्स कि मैं जो डालूंगी मसाले वगैरह सब डालूंगी। अभी डाल देंगी या थोड़ा वेट करेंगी? मैं थोड़ा सा फ्राई इसको करके, तो अगर खड़ा मसाला हो तो वो ज्यादा अच्छा है, या आपने पिसा हुआ रखा? हाँ, पिसा हुआ रखा। लेकिन इसमें तकरीबन सारी चीजें ग्राइंडेड हैं। अदरक लहसुन मैं जब चिकन डालूंगी तब डालूंगी। ठीक है। अच्छा रीमा जी, आपका ब्यूटी सीक्रेट माशाल्लाह, आपकी स्किन इन तमाम चीजों के लिए कोई खास चीज जो आप यूज करती हूँ खाने पीने में? मैं पानी बहुत पीती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ, मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती। और गर्म कितना गर्म होता है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अच्छा, हाँ, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीती, जूस अगर पीना मैंने तो मैं डब्बे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। मुझे नहीं पता कितनी कंपनीज मेरे खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन जो मैं बता रही हूँ सच, फ्रेश जूस, थोड़ी मेहनत होती है, फ्लेम बेशक आप तेज कर दीजिए, फुल है, थोड़ी मेहनत होती है, मगर मैं अपने घर में फ्रूट और वेजिटेबल का जूस भी खुद निकालती हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत होती है लेकिन वो बहुत हेल्दी होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा, स्टमक के लिए बहुत अच्छा। और बीइंग ए डॉक्टर्स वाइफ, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी खवातीन इस तक देख रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बीमारियां जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है, पेट से, आपके पेट से। आप अपने खाने में तवाजुन करें, आप एक्सरसाइज करें और ख़ास तौर पर क्वान्टिटी कंट्रोल करें। मतलब कितनी क्वान्टिटी खाती हैं आप? मैं भूख छोड़ देती हूँ, मुझे अभी दिल कर रहा है, बहुत रुगबत से कोई चीज़ खा रही हूँ और बहुत ख्वाहिश हो रही है कि थोड़ा और खा लूँ, बहुत दिल के बावजूद मैं भूख छोड़ देती हूँ। ठीक है, अगर मैंने डेढ़ रोटी चपाती छोटी मेरे घर में बनती है तो मेरा दिल है कि मैं दो खा लूँ। हम वैसे चपाती बना सकते हैं? अपने बेटे की तो खुद ही बनाती हूँ, उसके लिए पराठा बनाती हूँ तो खुद ही बनाती हूँ ये आटा। लेकिन अच्छा, अपने बेटे के लिए खुद बनाती हैं और अपनी सास के बेटे के लिए? सास के बेटे के लिए तो पहले बनाती हूँ भाई। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा ना होता है ना कि अम्मा बाजू का तो उसके अपने बेटे को बड़े चाव से देसी घी लगा लगा के बना के देती हैं। तो पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने, मैंने कौन सी नेकी की थी जो मुझे इतना प्यारा इनाम दिया। अच्छा, वैसे बता ही दे, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं और
दुआएं मुझे लोगों की तरफ से बहुत है। रीमा, तो ये अभी जैसे आप जिक्र करती है हासिदीन मुखालिफीन, वो तो रहेंगे फरा, तो कोई खास आपका वजीफा ऐसा जो आप समझती हैं जो आप शेयर करना चाहें लोगों से कि कोई परेशानी हो तो रीमा कैसे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करती? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आप स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड और स्ट्रांग ना हो ना, आपकी कोई किसी भी शख्स की कामयाबी हमेशा अल्लाह ताला की देन होती है, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने आपसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए हर अच्छी चीज की। और जहाँ तक आपने ये स्पिरिचुअल बात की तो नमाज की पाबंदी जो 5 फराइज हमारे शामिल है, मगर उन सब में शायद अल्लाह ताला अगर कोई आप भूल चूक कर जाए तो मुआफी हो जाए। एक चीज में मुआफी नहीं, हकूकुल इबाद। हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप लोगों की गलती आप किसी के साथ करें, तकलीफ आप किसी को दें, और बस थोड़ा ये पानी भी मुझे थोड़ा सा दे दें ताकि मेरे प्यास काले ना हो। बिल्कुल ठीक है। टमाटर भी दूं साथ ही? वैसे मैं खाती नहीं हूँ टमाटर, मैं दही यूज करती हूँ, मुझे बिल्कुल एलर्जी है, मुझे एलर्जी। अच्छा, ओके सही। तो आप ये देखें कि मेरा मियां भी मेरी वजह से टमाटर नहीं खाते। अल्लाह, जब से आपकी शादी, जब से मेरी शादी हुई है वो घर में टमाटर बिल्कुल बंद हो गए। अच्छा जी, डाल दीजिए, काले ना हो जाए, आग थोड़ी कम कर। मैंने आग बंद कर दी हुई है। अच्छा ठीक। अच्छा, जब तक आप ही करिए रीमा जी, रोटी तो अगर हम एक बना लें छोटी सी जैसी आप बनाती हैं, ताकि हम यहाँ पे पूरा आपका हाथ का जायका जो है वो चख सके। हाथ का जायका भी फरा, इसके साथ साथ मैं बड़ी, चूंकि अल्लाह ने, जब आपके पास एक अच्छी प्यारी जिंदगी हो तो आप दूसरों को मशवरा देते हैं। अब चला दें, ठीक है, मैं चलाती हूँ, मैं चला देती हूँ। देखिये ये अच्छा शौहर, अगर मैं खाना बनाती हूँ, अमूमन क्या होता है, अब रमज़ान आने वाला है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीवी जो बेचारी सबके लिए बहुत कुछ कर रही होती है, रोजे के साथ भी होती है, अगर कोई चीज़ शौहर की मर्जी के मुताबिक नहीं बनी, जायका वैसा नहीं है, तो वो इतने बुरे तरीके से अपनी बेगम को डांट देंगे या खफा हो जाएंगे, ये कहेंगे कि मुझे नहीं खाना, मुझे इस चीज़ से रोज़ा इफ्तार नहीं करना। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करें, और यही मैं कहती हूँ कि वो शौहर जो अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं और अपनी वालदा और बीवी के बीच में बैलेंस रखते हैं, वो अपने घर को खुद जन्नत बनाते हैं। अमूमन कहा जाता है कि औरत के हाथ में कि वो अपने घर को जन्नत या जहन्नुम कैसे बनाएगी, मगर मैं समझती हूँ कि ये मर्द के हाथ में भी है, मर्द के हाथ में थोड़ा ज्यादा में डालूंगी। ठीक है, रोटी बनाना हम शुरू करते हैं। जब तक मैं जरा कैनोलिव के बारे में बता दूं कि डॉक्टर्स इसको सजेस्ट करते हैं और पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने भी इसको एंडोर्स किया है, क्योंकि इसमें है कैनोला ऑलिव और उसके साथ साथ सनफ्लावर की खसूसियात, और तीनों खसूसियात इसमें हेल्दी फिट रहने के लिए किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो इसलिए इस तेल का इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे करके ना सिर्फ ये कि आप इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे इनामात सीखने का और इनामात हासिल करने का जो एक सिलसिला है उसमें भी शरीक हो सकते हैं, जिसमें आप हज़ारों और लाखों के कीमती इनामात जो हैं वो हासिल करेंगे। ओके रीमा जी, रोटी बनाएं? बिल्कुल रोटी बनाएंगे, मसाला जब बन जाए। हाँ। फिर हम, अब मुझे इसके लिए मेरे मियाँ की अंगूठी, मेरी शादी की मियाँ की अंगूठी। कौन सी? जी ये डॉक्टर साहब ने दी थी। ये डॉक्टर साहब ने मुझे, नहीं शादी में जो दी थी वो मैंने घर पे रखी हुई, ये 5 साल जब हमारे कंप्लीट हुए तो तब उन्होंने, 5th एनिवर्सरी पे। वाह वाह वाह, और हर एनिवर्सरी पे एक ऐसी डायमंड की रिंग मिलती है? नहीं, हर पे नहीं, ये 5 साल बाद मिली। ठीक है, और इसके अलावा अगर कभी वो मेरे लिए कुछ लेकर आए इस तरह की कीमती चीज तो मैं मना कर दूँ। ठीक है, लेकिन ये आप अंगूठियां, तो जो जितने उंगलियां हैं उसमें एक ही उंगली खास होती है जो दिल को, जिसके साथ दिल का कनेक्शन है। हाँ। उसका कनेक्शन उनके साथ जोड़ चुकी है। ठीक है, तो बाकियों के लिए बस कोई ऐसी जरूरत नहीं। मानती इन चीजों को कि उंगली खाली नहीं, मुझे पकड़ा दीजिए, कहीं नहीं जाएंगी, गिन के मुझे पकड़ा दें, आपको ही नहीं कहना पड़ेगा बाद में हाय मेरी अंगूठियां अभी तो रखी थी यहाँ। ऐसा करते हैं, ये सारी आपकी अंगूठियां इस एक में रख देते हैं। कितनी है वैसे? 1, 2, 3, 4 चले, 5, 6 माशाल्लाह। शौक है आपको ज्वेलरी का भी? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, सच बताऊं। मेरी सास को, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनको बहुत शौक था कि दुल्हन जो है, बल्कि मैंने कभी नोज पे नहीं पहनी थी। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैंने पिछले साल करवाया, और मेरी सास की ख्वाहिश थी कि दुल्हन जो है वो हमेशा उसके नाक में लॉन्ग होना चाहिए, हाथ में चूड़ियाँ होनी चाहिए, अंगूठी मस्त होनी। तो अमेरिका में आप नाक में लॉन्ग पहनती हैं, आप में चूड़ियाँ पहनती हैं और अंगूठियाँ पहनती हैं? बिल्कुल पहनती हूँ, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी खूबसूरती, हमारे कल्चर की, खातून की, तो ये सब चीज़ें तो करनी चाहिए जो मैंने कभी नहीं लाइफ में। अच्छा, तो अब मैं इनकी, चूँकि उनकी ख्वाहिश थी तो अब वो इस दुनिया में नहीं, मगर वो उन्होंने मुझे सास नहीं बेटियों की तरह प्यार किया, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम सारी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी है मैं करती रहूँगी। वाह क्या बात है यार, गुड।
हेल्दी सास बहू रिलेशनशिप के बारे में सुन के बड़ी खुशी होती है, वरना अक्सर लगता है कि खवातीन जो है वो औरतें औरतों की इतनी सख्त दुश्मन है कि जब कोई सास हो जाती है तो उसकी उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है बहू की जिंदगी कैसे जीवन की जाए। रीमा जी, जब तक आप इसमें आपको चिकन भी तो डालना होगा ना जी, वो आप दे दीजिए मुझे, मसाला बन गया तो पहले वर्ड्रॉन जो कि बहुत कम वोल्टेज पे सिर्फ 100 वोल्ट के ऊपर भी चलता है, जिसका मतलब ये कि यूपीएस के ऊपर भी चलेगा, जिसका मतलब ये कि जितनी मर्जी लोड शेडिंग हो जाए आप जो है वो उसमें आपको बेफिक्र होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी हर चीज रहेगी ठंडी, क्योंकि इसके अंदर इंस्टेंट फ्रीजिंग फिनोमिनन भी है, जिसका मतलब 25 मिनट के अंदर जो है वो बर्फ इसमें जम जाएगी। सो ये तमाम खूबियाँ जो कैसे करती हैं मुमताज़ हर लिहाज से मुख्तलिफ फ्रिजों में, और ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में और मुख्तलिफ उनके जो हैं टेक्नोलॉजीज उसमें मौजूद हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन्वर्टरॉन की जो हैं खसूसियात मौजूद हैं। अच्छा जी, मुझे सारा तो नहीं डाल रही, बस मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। वेजिटेरियन है, चिकन है, मीट बीफ ईटर, इनमें से क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाती हूँ मैं? हाँ मैं ज़्यादातर सब्जियाँ दाल इनका शौक है मुझे। अच्छा, और चिकन खा लेती हूँ, सी फूड भी शौक से खाती हूँ, बट बीफ नहीं खाती। अच्छा, वो जो आपका कोई एक पेट टोटका होता है वो यही है कि आप भूख छोड़ के खाना खाती हैं? मैं भूख छोड़ के नहीं खाती, पेट भर के नहीं। वैसे अमूमन डिनर जो है वो तारीख क्योंकि लेट आते हैं तो लंच में स्किप कर देती हूँ, ये नहीं कि मैं खाली पेट रखती हूँ। मैं सैलड खा लूँगी, मैं कोई फ्रूट खा लूँगी, मैं जूस पी लूँगी, मगर खाना मैं हस्बैंड के साथ ही खाती हूँ, तो वो खाना मेरा एक टाइम होता है। अच्छा रीमा जी, रोटी जब तक डालना शुरू करते हैं उसको हम ढक लें, क्योंकि मैं चाहूंगी कि मैं और आप मिलके आज नाश्ता जो है वो आपके हाथ के बने हुए फुलके से या रोटी से और साथ कढ़ाई से करें, ठीक है? तो इसको ढक लूं। अच्छा, एक तो ये एंगल है रीमा का कि रीमा मुकम्मल तौर पर घरेलू खातून होने की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो कितनी खूबसूरती से अदा करती हैं, लेकिन रीमा का एक और बड़ा खूबसूरत एंगल है और जो मुझे जिससे बड़ा प्यार है वो ये कि रीमा जब रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एक हीरोइन, फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन होने के नाते से, तो बड़ी सेंसिबल बातें होती हैं। पेंटागन में जाके आपने बात की तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, यहाँ पर आके आप थैलेसीमिया के बच्चों और उन लोगों से रिलेट करती हैं तो वो एक बड़ी परफेक्ट होती है। तो रीमा, मतलब ये कैसे बैलेंस करती हैं आप किचन से लेकर तो ग्लैमर तक और ग्लैमर से लेकर फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक? ये तो बस तरबियत किसकी? माँ बाप की सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपका शौहर जो है वो ऐसा हो जो सपोर्टिव हो, जो आप जो कुछ करना चाहें उसमें आपकी हेल्प करे, तो ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसा शौहर बंदे को कैसे मिलता है? दुआओं से। अच्छा सवाल है, आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। ऐसा शौहर लेने के लिए, हासिल करने के लिए बंदे को क्या क्या करना पड़ेगा? अच्छा अमल करो, यकीन करें, यकीन करें, अल्लाह ताला नवाज दे। ट्रस्ट मी, देर सवेर हो जाती है। आप मुझे वो दुआ तो बता ही नहीं रही है जो आपने की है जिसके नतीजे में आपको डॉक्टर तारिक मिले हैं, है ना? ये इतनी लड़कियां बैठी हुई, इनको कोई वजीफा बता दें कि इनको भी डॉक्टर तारिक जैसे अच्छे हस्बैंड से हैं वो मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज करें, और उससे भी पहले एक बात होगी, नमाज तो ठीक है उसमें कोई भूल चुक हो जाए तो माफी हो जाती है, अपने माँ बाप का अदब करें, अदब बहुत जरूरी है। मोहब्बत का पहला करीना है अदब। अगर आप अपने वालदा वालिद की इज्जत नहीं करते, आप अपने बड़े बहन भाई की इज्जत नहीं करते, आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, आप किसी मुसलमान या किसी इंसान की इज्जत नहीं करते, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इज्जत मिलेगी? बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते के लिए अदब। और दूसरा, ये चूंकि सोशल मीडिया की बातें भी चल रही हैं, कभी किसी की कोई बुरी बात नजर आ जाए, कोई लूप होल हो, किसी की कोई ऐसी चीज जिसको बताने से आपको, और चाहे आपको दुश्मन क्यों ना, क्या आपको एक तस्कीन मिलेगी कि उसकी ये बुराई अब मैं लोगों के सामने लेकर आऊंगा? बस वो कंट्रोल करना आपने, किसी की बुराई की तशहीर नहीं करनी, उस पर पर्दा डाल देना। बिल्कुल सही, क्योंकि हम में से कोई भी गलतियों से मुबर्रा नहीं। बेशक। तो बस कोशिश ये करें कि कोई भी किसी की गलती देखें तो छुपा लें, और किसी की मदद करनी हो तो भी खामोशी से, लेकिन कुछ काम ओपन भी अच्छे करें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। ठीक है। अब जैसे आपने थैलेसीमिया के बच्चों का कहा, तो इश्तियाक बेग साहब का बहुत शुक्रिया कि मेक अ विश के प्लेटफॉर्म से उन्होंने, मैं वैसे भी काम कर रही थी सेफ एंड ऑर्फन के साथ भी, मगर इश्तियाक बेग साहब के साथ अब मैं कंटिन्यूसली इसलिए काम करूंगी क्योंकि ये कंपनी अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है। और उस हवाले से जो फंड्स इन बच्चों के लिए, इनके इलाज के लिए
जो चाहिए होते हैं इसके लिए तो जितना भी फंड उतना कम है, तो उसमें आई एम ट्राइंग कि मैं किसी तरह ना किसी अंदाज से अपने अंदाज से मैं और डॉक्टर साहब उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। बिल्कुल सही। इसके अलावा शौकत खानम का तो आपको पता है, खुद मेरे साथ हमेशा साथ थे और आपने कितना अच्छा एंडोर्स किया, यानी आपने बड़े जैसे कहते ना सखी दिल के साथ बहुत बड़ी डोनेशन भी दी थी, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हमारे हम लोग जो हैं वो जेब से पैसे जरा मुश्किल से निकालते हैं। वो बिल्कुल वो चेक आपको कहते कि मैंने नायला से कहा कि नायला रमजान में मैं वो चेक आपको डिलीवर करूंगी ताकि मेरा भी डबल फायदा हो जाए, रमजान का भी हो। और ठीक है, वाह क्या गोल रोटी है नाजरीन। अजय भाई इसका मतलब है कि आप वाकई किचन में बहुत सारा काम, तो एक सुपरस्टार के नखरे के यू नो किचन तो नहीं हो सकता। फरा देखिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत लाइफ में ग्लैमर भी, कामयाबियां भी, खुशियां भी, बड़ी आर्टिफिशियल, हम आम लाइफ में भी बहुत आर्टिफिशियल जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, आम लोग भी, हम सिर्फ स्टार्स नहीं आम लोग भी। मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि खुदा के लिए अपने अंदर की ओरिजिनलिटी को मरने मत दें, अपने अंदर के इंसान को मरने मत दें। अच्छा। अपनी अपने अपने अंदर मोहब्बतों को, प्यार को, खुशियों को, मुस्कुराहटों को जिंदा करें। बल्कि मैं बताऊं, ओए मेरी रोटी जला दिया, नहीं मैंने पलट दी है जल्दी से, ये बड़ी गलत बात कर दी आपने, वो आप बात करी थी मेरे भी जब मुझे पता चला कि क्या दूं, ये मुझे कोई कपड़ा दे दें ताकि मैं। अच्छा रीमा, आप अमेरिका में मतलब रोटी घर में खुद बनाती हैं? जी बिल्कुल खुद बनाती हूँ मैं रोटी। ठीक है, अब हम इसको भी ढक देंगे ताकि थोड़ा सा और पक जाए, और उसके बाद हमने रोटी भी बना ली है और इस रोटी को हम निकालने लगे हैं। अच्छा हमने सुना था आप रमजान में हमें इफ्तारियां शफ्तारियां कराने वाली हैं। बिल्कुल, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रमजान यहाँ करूँ, मगर अब तो एक तो मेरे वालदैन मेरे पास आ रहे हैं, दूसरा ये कि मेरे मियाँ ने कहा कि आप आ जाएं, मुझे इफ्तार में आपके हाथ के बने हुए पकौड़े चाहिए, फ्रूट चाट चाहिए, दही बड़े चाहिए। तो फिर अगर मियाँ ने ये कह दिया तो फिर उसके आगे तो कुछ नहीं। अच्छा, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आप रमज़ान वापस घर पे मेरे साथ करें, तो आप जा रही हैं? ऑफ कोर्स, मेरा घर वहाँ है। फरा मैं विजिट अब यहाँ करती हूँ, अब ये घर मेरा घर नहीं, अम्मी का घर है, अम्मी अबू का, यहाँ मैं विजिटर हूँ, मेरा तो घर वहाँ पर है, जो मियाँ का घर है वही मेरा घर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो होपफुली ये तैयार हो चुका होगा, हम इसे टेस्ट करेंगे और इंजॉय करेंगे। थैंक यू रीमा, आपने हमारे लिए नाश्ता बनाया, रोटी बनाई है, और डॉक्टर साहब के अलावा कितने और लोगों के लिए, मुझ समेत। ये रही खूबसूरत सी मजेदार सी जिसकी एक एक चीज जो है वो रीमा ने अपने हाथ से डाली है और बनाई है, तो इसे चखेंगे हम। अच्छा रीमा आप पहले डालेंगे, आप कितना डालती हैं सालन जब आप अपने लिए खुद खाती हैं, यानी कितनी क्वांटिटी में आप जो जिस क्वांटिटी की आप बात कर रही हैं? मैं रोटी कम यूज करती हूं बट सालन शौक से खाती हूं। अच्छा, तो फिर सालन को आप चम्मच से खा लेती हैं या फिर रोटी? मत उसी हिसाब से जो आजकल लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग रोटी बिल्कुल नहीं खाते, चावल बिल्कुल नहीं, नहीं खाते। नहीं, गलत है, ये भी गलत है, गंदम तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। ठीक है, और गंदम जो है वो कोई खास होती है आपकी या आम दबोरी का आटा मिलता नहीं है? मैं मैदे के बगैर जो होती है। तो वो कहाँ से लेती हैं? अमेरिका में कहाँ से लेती हैं? वहाँ मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है, ऑर्गेनिक आटा भी बिल्कुल मिलता है। हाँ वहाँ पे तो ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा सहूलत से और अच्छी मिल जाती है, और झूठ भी शामिल नहीं होता। हाँ आप बड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों पर। अच्छा अब आते हैं श्री रीमा, आपने इतना अच्छा मेंटेन किया है, कोई एक इंच भी ज्यादा नहीं। आपने खुद ही कहा था कि लोग कहते हैं डॉक्टर की बीवी है तो बड़ा कुछ करवाया होगा, कभी नहीं सोचा कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर की तरफ जाने का? जरूरत नहीं है, आप जब कोई ऐसी चीज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका रिजल्ट आपके चेहरे पर नजर आता है और फिर आप मोहताज हो जाते हैं उन इंजेक्शन के, उन बोटॉक्स के, आपको हर 3 से 6 बाद वो करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके उसके बाद जो जो आपके ओरिजिनल मसल्स होते हैं, जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो फिर इंसान वैसा तो खुदा ना खासा कुछ भी नहीं, माज़ल्ला नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है, अगर वैसी चीज़ तो नहीं, मसल्स अनबैलेंस हो जाते हैं। हाँ। तो हो जाते हैं। आप देखें कई लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल कुछ तब्दील हो गई। हाँ। इसकी शक्ल कुछ चेंज हो गई। आपने नहीं कभी सोचा होंठों को यूं करवाने का और चीक्स को ऐसे करवाने का और जॉ बोन्स को यूं करवाने का? मतलब ये सर मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल नहीं,
तो आपको ये एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए. कोई किसी चीज की जरूरत होगी और मेडिकल वो फैसिलिटीज होंगी तो मैं क्यों ना अवेल करूँ, लेकिन जब जरूरत होगी ठीक है तब जरूर करूंगी. बिल्कुल सही, मगर उतनी जिससे मैं लगूं, मेरे बच्चे को लगे यही मेरी माँ है. ठीक है. अच्छा, बेटे की तस्वीरें हमारे पास बड़ी प्यारी, माशाल्लाह 3 साल का हो गया जी. छोटू सा था जब की पिक्चर है, ये 6 माह का था जब इसकी पिक्चर है, और अब माशाल्लाह से 3 साल का. आपको क्या कहता है रीमा? मामा. और डॉक्टर साहब को? बाबा. दोनों में से किसके साथ ज्यादा अटैच है? बाबा के साथ. माँ दिन रात एक कर दे, मैं इतना जागती हूँ और इतनी केयर करती हूँ, मगर जैसे बाप की शक्ल देखता है इस बाबा सन. अच्छा, और माशाल्लाह रिजेंबल किससे करता है, आप पे ज्यादा है या अब्बा पे ज्यादा है? मेरे भी राइट चीक में डिम्पल है, मैं डॉक्टर साहब के भी है तो डिम्पल है ना. मतलब मेरे बेटे का हम दोनों से ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत डीप डिम्पल है. अच्छा, तो प्रीति जिंटा का था ना जैसे, आपके भी है? मेरे भी है. अच्छा, गुड. तो मुझे आप, मेरे बेटे का बहुत डीप डिम्पल है यहाँ पर भी और चिन के अंदर भी. और आपके भी चिन में है? मेरे चिन में नहीं है इतना, बट मेरे गाल में है डिम्पल. ठीक है, मैंने मजेदार बनाई, बहुत मजे की बनाई है, मैंने आपकी प्लेट में ही लगा के चखा है. रीमा के हाथ में जायका है, इसका मतलब है रीमा जो है वो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. हाथ का नहीं पता, मगर मेरे अंदर मोहब्बत का जायका है और मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें. आज हमारे सोसाइटी में जिस चीज़ की कमी का एहसास होता है वो मोहब्बत है. हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं और सुनते हैं, ठीक है, मगर हम दूसरों को बातें अच्छी करते हैं उसको अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट नहीं करते. दूसरों से भी अच्छी बात करें, मगर सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट खुद बन जाएं. बिल्कुल सही. अपने नाकियत खुद बन जाएं. बिल्कुल सही. अच्छा रीमा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ये थे, ये उन्होंने चला दी आपके हीरोज की तस्वीरें जिनके साथ आपने फिल्म में काम किया हुआ है, कि इनके बारे में आपने कुछ कहना है, वन वर्ड टू एक्सप्लेन द हीरो. वेरी टैलेंटेड. टैलेंटेड शान, टैलेंटेड जी. मोहम्मद राना हैंडसम. ओके, रेशम जी सॉफ्ट. सॉफ्ट, गुड. नेक्स्ट, बाबर अली मल्टीफैसेटेड. ओके, इसका मतलब मैं क्या लूं, बहुत सारे गुणों वाला या बहुत सारे? पैरोडी क्वीन. अच्छा, पैरोडी क्वीन. बाबर को मैंने इसलिए मल्टीफैसेटेड कहा कि बाबर एक तो हर तरह का रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसके अलावा वो उनकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, वो सिंगर भी बहुत अच्छे बने, ठीक है. और वीना को आपने कहा है पैरोडी क्वीन. जावेद शेख साहब आवर प्राइड. ठीक है, नेक्स्ट है मीरा, माई कलीग. मीरा माई कलीग. माई कलीग, अच्छा ठीक है. रैम्बो ब्रदर. ओके, नूर नूर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स जहन में आ रहे हैं, बट मैं यही कहूंगी गुड चेंज. गुड चेंज, वाह, वेरी गुड. नेक्स्ट, साहिबा जी स्वीट हार्ट. स्वीट हार्ट, गुड. और भी कोई हीरोइन हमारी यहाँ? सऊद गुड हस्बैंड. एंड हीरो? इनके लिए तो मैं खड़े होकर कहूंगी कि He is the pride of Pakistan. इसमें कोई शक नहीं, he is legend. ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम और एक बड़ा मकाम है. अच्छा, नदीम साहब ने चूंकि मेरी पहली फिल्म में मेरे वालिद का रोल किया था, बने वो शान के वालिद थे मगर मेरे भी ससुर थे मगर वालिद की तरह, और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बहुत सारे करेक्टर्स मेरे साथ की और मुझे मौका मिला, और खुशी इस बात की कि मैंने आगाज इनके साथ किया, और जब बींग ए डायरेक्टर मैंने अपनी पहली फिल्म अनाउंस की कोई तुझसा कहा इन 2004, तो मेरे अंडर डायरेक्शन भी नदीम साहब ने काम किया. क्या बात. तो बड़े लोगों से बड़ी चीज़ें आप कैसे सीखते हैं कि वो मुझसे एक्सपीरियंस्ड भी थे, सीनियर भी थे, जब कैमरे के सामने आए तो वो ऐसे थे जैसे कि वो एक स्टूडेंट है. ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कल की बच्ची जो कैमरे के पीछे खड़ी है और आप उसकी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसको गाइड नहीं कर रहे, आप उसको टीच नहीं कर रहे, या आप ऑर्डर्स नहीं कर रहे. बिल्कुल, रिस्पेक्ट द अथॉरिटी.
जो अल्लाह ताला अथॉरिटी की रिस्पेक्ट, और इसके अलावा कि वो मकाम जो उसको दिया है कि शी इज द कैप्टन ऑफ द टीम, तो वो उस कैप्टन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस ओहदे की, बिल्कुल सही, उस इमेज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रीमा, आप आज तशरीफ लाई हैं, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू एज ऑलवेज। आप बहुत सारे लोगों को वो कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक खातून का ऐसा चेहरा चाहिए होता है, हमेशा चाहिए था, जिसके पास दिमाग भी हो, वो खड़े होकर बात करे, तो वहाँ पर हमें शर्मिंदगी ना हो, हमें लगे कि ये पाकिस्तान की, पाकिस्तान के कल्चर की, सकाफत की अच्छी सी नुमाइंदगी करनी है, और आपने वो किया। सो गॉड ब्लेस यू। थैलेसीमिया के बच्चे हों या फिर शौकत खानम का कॉज हो या कोई भी और कॉज, जो भी आप सपोर्ट कर रही हैं, ये एक दूसरी साइड है आपकी। सियासत में कब आ रही है? सियासत को फेस कर रही हूँ, यही काफ़ी है। अच्छा, कोई इरादा नहीं है, कोई पार्टी टिकट दे दे, कुछ ऑफर कर दे, इलेक्शन नज़दीक है, होने वाले हैं, तो हम देखेंगे। दुआएं हैं वतन अजीज़ के लिए, बहुत सारी दुआएं हैं, और उन तमाम पॉलिटिशन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ज़ात की नफ़ी कर कर इस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि इस मुल्क को अब सियासतदान नहीं, एक लीडर चाहिए। वंडरफुल टू हैव यू। और आपने आज हमें बहुत अच्छी खबर दी कि आप और डॉक्टर साहब जो हैं, वो फैमिली आपकी बिल्कुल इकट्ठी है और आप वापस जा रही हैं उनके पास, और रमजान मुबारक और ईद जो है वहीं पे गुजरेगी। मुझे कोई जरूरत नहीं बार बार ये चीज रिपीट करने की। मैं अपनी जिंदगी में बहुत 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 खुश हूँ। और मैं एक बात बता दूं कि लोग बातें करते हैं, और भी मैं बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बगैर जाने आप जिस चीज की गवाही देने जा रहे हैं, क्या आप उसको जानते हैं जिसका गवाह सिर्फ खुदा हो? तो इसलिए बगैर जाने हुए किसी बात पर कोई तबसरा ना करें, बगैर कोई तनकीद ना करें। वंडरफुल टू हैव यू, थैंक यू। हालांकि मैं अनवर मकसूद साहब की बहन ज़हरा साहिबा का एक बहुत खूबसूरत कलाम जो अनवर साहब ने पढ़ा था, वाह, लेकिन इससे पहले मैं अल्लाह हाफिज़ कह दूं, अल्लाह हाफिज़ हमारे तमाम व्यूअर्स को। जी प्लीज रीमा। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाओं में जाकर लेट जाता है, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कब्बे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बह के घोंसले का कोई साया लरसता है, बल्कि बह के घोंसले का गंदमी साया लरसता है, तो नदी की रोपीली मछलियां उसे अपना पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए, तो लकड़ी के किसी तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदा वंदा जलीलो मोतबर, दाना ओ दीना, मुनसिफो अकबर, मेरे इस शहर में